नमस्ते, आइए हम ये सुनीता विलियम का स्पेस में अंतरिक्ष में विड बना था वीडियो, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते तो आइए समझते। मैं अपनी भाषा में आपको समझाती हूँ। यह एक अच्छा मॉडल है, ये देखिए एक अच्छा मॉडल है। यहाँ स्पेस में चारों साइड में कंप्यूटर लगे हुए, यहाँ मतलब रिसर्च कर सकते हैं हम। ये भी एक नीचे भी एक है, यहाँ भी एक है, और एक सामने और एक ऊपर है। अगर आपको सीलिंग वाला यूज़ करना है तो आपको सिर्फ ऐसा मोमेंट चेंज करना है और सीलिंग पे जाके आपको काम करना है, या नीचे वाला या साइड वाला कोई भी हो आप वैसे। वह यहाँ कोई ये नहीं रहते, यहाँ कोई ये नहीं रहता कि आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, आड़े हो, टेढ़े हो, कैसे कि यहाँ कैसे भी आप काम कर सकते, वैसे आपको कुछ ये नहीं रहता है। आइए, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं उसके बारे में आपको जवाब देती हूँ। मुझे बहुत सारे सवाल आते कि आप सोते कैसे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सोते कैसे। ये एक कमरा है, यहाँ स्लीपिंग रूम बोलते। यह एक छोटा सा गद्दा लगा हुआ है, उसको वेलक्रो से फिट किया हो रहता है। उसके अंदर हम अपने आप को फिट करते और वेलक्रो से अपने आप को बंद कर लेते, क्योंकि हम यहाँ वहाँ उड़े नहीं। जो आपको लग रहा होगा मैं सीधी सोई हूँ, लेकिन मैं कैसे भी सोई हूँ उस ये कुछ ये नहीं रहता कि कैसे। देखिए मैं आपको ऐसे भी सो के दिखाती हूँ, ऐसे भी आराम से सो सकते हैं। वैसे कोई मोमेंट नहीं था कि आप कैसे सो रहे हो, बैठे के बैठे सोए हो, कैसे भी सो आप कैसे भी सो सकते हैं। यहाँ कुछ ये नहीं थे, हम उड़ते ही रहते हैं। देखिए यहाँ हम बैठ के काम भी कर सकते हैं। यहाँ टोटल चार कमरे हैं सोने के लिए। एक तो यहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और अब आपको तीन बाहर दिखाती हूँ। आइए, हम चारों भी यहाँ सो सकते हैं। एक दिख रहा है, ये एक सामने है जहाँ मैं आपको जाके दिखा रही हूँ, जो पहले आई थी वो एक था, ये दूसरा है। यहाँ भी एक स्लीप स्टेशन है, और एक ये है ऊपर वाला, यहाँ भी आप सो सकते हैं, और एक नीचे सामने देख रहे ये स्लीप स्टेशन है। हम यहाँ चारों जगह सो सकते, आराम से हम लोग चारों जने यहाँ सो जाते हैं। आइए मैं आपको और अंदर दिखाती हूँ। आइए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप बाथरूम यूज़ कैसे करते हो, डेली यूज़ के मतलब कैसे करते हो, जैसे ब्रश करना वगैरह वगैरह, वो कैसे करते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते। हम लोग को एक छोटा किट दिया जाता है, वो देखिए मैं ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वेलक्रो से सब कुछ वेलक्रो से ही किया हो फिट किया हो रहता है। और ये इसमें हमारा ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह सब रहता है। तो हम लोग मैं आपको भी टूथपेस्ट करके दिखाती हूँ कैसे है। यहाँ के लिए टूथपेस्ट थोड़ा अलग ही है, और मैं आपके बालों पे कंघी मार के दिखा रही हूँ, देखिए ये, लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं। मैं अभी आपको टूथपेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ के लिए टूथपेस्ट थोड़ा अलग बना रहता है, स्टिकी स्टिकी। तो ये मैंने ले लिया और ब्रश पे लगा दिया। स्टिकी है इसलिए इसमें थोड़ा सा चिपक गया, वैसे ये तो नहीं था, अगर मैं छोड़ दूँ तो हवा में उड़ते रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ, पानी यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी पानी इसमें थोड़ा लगा देती हूँ, देखिए लगा दिया। अब मैं ब्रश करती हूँ, ये देखिए थोड़ा बड़ा सा बबल बन गया। अभी मैं उस तो पानी में लगा ये कर लिया, और ये मैं पानी आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर ये उड़ते ही रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण जीरो है, इसलिए हम उड़ते ही रहते हैं। मैं आपको ब्रश करके दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादातर लोग बोलते हैं ब्रश करने के बाद क्या करते हो, कूला करते हो या कैसे क्या करते हो। तो मैं दो चीज़ होते मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ब्रश कर लिया और निगल लिया। दूसरा ऑप्शन है आप टिश्यू पे भी ये कर सकते, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को बोलती कि आप निकल जाओ, टिश्यू पे करिए करने से अच्छा आप टिश्यू पे भी थूक सकते हो, लेकिन नहीं मैं तो निगलना ही पसंद करती हूँ। और ब्रश को हम टिश्यू से पोंछ देते हैं। और हर यहाँ के लिए सब चीज़ें अलग ही बनी रहती है, हर किसी को वेलक्रो से ही एक किया हो रहता है। देखिए मैंने अभी यहाँ चिपका दिया टूथपेस्ट। आइए मैं आपको अभी एक नंबर दो नंबर दिखाती हूँ। आइए हम लोग, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस अब एक नंबर दो नंबर कैसे करते, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक नंबर दो नंबर कैसे करते।
ये एक स्टिकर है, येलो कलर का दिख रहा है ना, ये एक स्टिकर है, इसे कहते कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिटल हाउट हाउस, देख लीजिए। ओके, और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक है टॉयलेट का और दूसरा है एक नंबर का। मैं आपको टॉयलेट वाला दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, इसको थोड़ा अच्छी तरह सील करना पड़ता है, और यहाँ एक छोटा सा है, हम उसे मतलब आराम से एम करके एम करके बैठना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर अगर ये कर दिया तो ये यहाँ वहाँ उड़ सकता है, और ये है एक नंबर के लिए, आप यहाँ दो नंबर और एक नंबर ये दोनों एक साथ यूज़ कर सकते, लेकिन अपने एम लगा के ही यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ उड़ने का बहुत सारा चांस रहता है। और इसका कलर जो येलो दिया है ये समझने के लिए ये एक नंबर है, और वो नीचे जो दिया है वो दो नंबर के लिए, और ये सब टिश्यू है, ये रशियन वाइफ से, और थोड़ा कुछ टिश्यू वगैरह, बहुत सारे टिश्यू वगैरह भी है, यहाँ हगीज़ वगैरह भी है, आप अगर ये हगीज़ यूज़ करना चाहते तो हगीज़ भी यूज़ कर सकते, सैनिटाइज भी है, यहाँ सैनिटाइज करने के लिए भी है, क्योंकि आप एक नंबर अगर यहाँ वहाँ आपने कर लिया तो पानी के से यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, वैसा एक नंबर भी यहाँ वहाँ उड़ते रहेगा और फिर बदबू आती रहेगी, इसलिए सैनिटाइज वगैरह सब दिया हुआ रहता है। और टॉयलेट को दरवाज़ा ज़रूरी है, दरवाज़ा दिखाती है आपको, दरवाज़ा भी ये देखिए दरवाज़ा है, ओके। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ, ये एक अच्छी जगह है, यहाँ सब सारे मेहमान यहाँ मिलते हैं, और आगे एक हमारा एक किचन है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारा खाना है, और यह फ्रिज की जैसा काम करता है, यहाँ सब इसके अंदर सब खाना, सब टाइप के खाने रहते हैं, जैसे अंडे, ब्रेड, सब्जियाँ, ये सब इसके अंदर फिट किया हुआ रहता है, थोड़ा ड्राई रहता है, फिर हम इसे ओवन में वगैरह गर्म करके खा सकते हैं। ये सब US का फूड है, और हमारे पास थोड़ा थोड़ा जापान का भी फूड है और रशिया का भी फूड है। इसके अलावा हम अपने लिए अपने हिसाब से भी चीज़ें यहाँ ला सकते, ये सब यहाँ का, ये इस पे थोड़ा सा ड्राई ड्राई रहता है, तो हम ओवन में गर्म करें या पानी में थोड़ा गर्म करें हो जाता है। और अपने लिए भी एक चीज़ ला सकते हैं, जैसे मैंने लाया पीनट बटर, मैं दिखाती हूँ, ये भी ला के हम यहाँ खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने अपने लिए एक पीनट बटर लेके आई हूँ, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा खाना होता है। अब हम जापानीज लाइब्रेटरी में हैं, ये जापानीज लाइब्रेटरी है, राइट साइड में दूसरा स्टेशन है इंटरनेशनल कोलापन, कोलापन हीरो मॉडल, आइए मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, इंटरनेशनल US लाइब्रेटरी में जा रहे हैं, ये है US लाइब्रेटरी, यहाँ सब साइंस एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ सब रिसर्च सेंटर है, ये दीवार पे सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, माफ़ी चाहते हैं बीच में वीडियो अटकने के लिए, आगे जाके चालू हो जाएगा, इंटरनेट प्रॉब्लम इसलिए वीडियो बीच में अटक गया है। आइए दिखाती हूँ आपको, एक्सरसाइज करने की मशीन दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ हम उड़ते ही रहते हैं तो हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है, क्योंकि क्या है कि हम भी बिल्कुल ज़मीन पे बैठते ही नहीं, मैं तो 6 महीने से बैठी ही नहीं हूँ, ऐसे ही उड़ती रहती हूँ,
तो यहाँ एक्सरसाइज करने की मशीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्पेस में हम लोग फिट कैसे रहे, इसलिए एक्सरसाइज मशीन है। ये एक्सरसाइज मशीन भी उड़ती रहती है, तो इसे फिट हर एक मशीन से फिट करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है, इसलिए ये भी हवा में उड़ते रहता है। तो इसे फिट करने के लिए हमें एक वेलक्रो से बांध के उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बाइकिंग करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये उड़ रहा है ना, तो ये 1 घंटा तक हम बाइकिंग करते हैं, मतलब साइकिल कैसे चलाते हैं वैसे हम चलाते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं चलाएंगे तो हमारी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएगी, जैसे हम धरती पे आ जाएंगे तो हमारी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ चल ही नहीं पाते। आप यहाँ चल ही नहीं सकते, आप उड़ते ही रहते हो, ऐसा है। ये बाइक है, और दूसरा भी एक्सरसाइज करने की मशीन है, मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी। ये मशीन एक दूसरे को फिट करके रखी हुई है, अगर अगर ये सिंगल रखेंगे तो ये भी उड़ती रहेगी, इसलिए स्पेस स्टेशन को ये फिट करके रखा हुआ है। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ, और भी आपको बहुत बताना है। ये मैं आपको एयरलॉक का दिखा रही हूँ, ये 2 स्पेस सूट है, ये बहुत ज़रूरी होती है यहाँ काम करने के लिए। ये हम बाहर जब का कुछ काम करना पड़ता है, मतलब जितने अंदर मशीन है उतने बाहर भी मशीन है, तो बाहर की मशीन कभी कभी ख़राब हो जाती है, जैसे जैसे उड़ते उड़ते आके उसे टकरा जाता है तो मशीन ख़राब हो जाती है। फिर हम इसमें ये पहन के हम बाहर जाते हैं और अपने आप को चेन में बांध लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह है। आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 ग्रेविटी है, आप यहाँ ज़्यादा ये नहीं सांस नहीं ले, ऑक्सीजन की यहाँ बहुत सारी कमी है। तो इसके ये स्पेस सूट के अंदर सब कुछ रहता है, आप आराम से बाहर जा सकते हैं और अपने आप को चेन से बांध के काम कर सकते हैं।